हेलो एवरीवन सो दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वी हैव आल्सो सीन हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट तो हमने मटेरियल वेरिएंसेस के फार्मूलाज सीखे थे और लेबर वेरियंसिस के भी फार्मूलाज सीखे थे अभी उसी के बेसिस पे आज हम इस वीडियो में एक लेक्चर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे हम फार्मूलाज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो so, आज का क्वेश्चन थोड़ा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कुछ चीजें इसमें से आइडेंटिफाई करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इनपुट ऑफ हंड्रेड के जी ऑफ मटीरियल फॉर अ स्टैंडर्ड ईल्ड आउटपुट टेन थाउजेंड यूनिट इज गिवन टू यू स्टैंडर्ड प्राइस इज गिवन टू यू ट्वेंटी रुपीज पर के जी एक्चुअल क्वान्टिटी ऑफ मटीरियल यूज इज टेन थाउजेंड के जी एक्चुअल क्वान्टिटी दिया है आपको टेन थाउजेंड के जी का देन एक्चुअल प्राइस इज गिवन टू यू एस ट्वेंटीज पर के जी एक्चुअल आउटपुट दिया है नाइन लैक ,00 यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलकुलेट मटीरियलिस तो हमें सिर्फ यहाँ पे मटीरियल वेरियंसेस कैल्कुलेट करनी है तो पहले हम कुछ क्वेश्चन में मटीरियल प्राइस मटेरियल यूसेज और मटीरियल कॉस्ट वेरियंस ढूंढेंगे देन जैसे इसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स मटीरियल मिक्स मटीरियल इल्ड और लेबर वेरियंसिस जाएंगे हम फिलहाल अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दो तीन पॉइंट जरूरी होते हैं क्या पॉइंट जरूरी होते हैं स्टैंडर्ड प्राइस फिर एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये चार पॉइंट्स अगर आप क्वेश्चन में से आइडेंटिफाई कर लो करेक्टली तो फिर सिर्फ क्लेरिकल काम रहता है वो है फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना अब हम ढूंढते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है देखो मैंने अगले पार्ट में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस कितना है पहले देख लेते हैं देखो स्टैंडर्ड प्राइस अगर हम ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे ट्वेंटी है एक्चुअल प्राइस ट्वेंटी वन है तो दोनों चीजें पहले प्रेजेंट कर लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है स्टैंडर्ड प्राइस है रुपीज ट्वेंटी और एक्चुअल प्राइस कितनी है एक्चुअल प्राइस है रुपीज ट्वेंटी वन फिर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं देखो एक्चुअल आउटपुट दिया है एक्चुअल क्वांटिटी दिया है एक्चुअल क्वांटिटी टेन थाउजेंड तो चलो एक्चुअल क्वांटिटी हम लिखेंगे यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है टेन के जी दी है तो एक्चुअल क्वान्टिटीजेंड के अभी हम ढूंढेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वो नियर बाय रहेगा एक्चुअल क्वांटिटी के एक्चुअल क्वांटिटी के आसपास ही आपका आंसर आना चाहिए और इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है अभी कैसे ढूंढना है देखो ध्यान से समझना यही इंपॉर्टेंट है हंड्रेड के का मटेरियल है तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था टेन यूनिट्स का ठीक है ड्रेड के जी का मटीरियल है तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था टेन थाउजेंड यूनिट का आपको एक्चुअल आउटपुट आउटपुट देखना 9 ,000 ,000 है है एक्चुअल लाख यूनिट्स तो अब ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसको सॉल्व ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आना चाहिए देखो टेन थाउजेंड यूनिट्स टेन थाउजेंड यूनिट्स जब हम प्रोड्यूस कर रहे थे तब हमें हंड्रेड के जी का मटीरियल लग रहा था इफ वी आर प्रोड्यूसिंग टेन थाउजेंड यूनिट्स वी विल रिक्वायर हंड्रेड के जी मटीरियल तो हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है अगर हम नाइन लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे अगर हम नाइन लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कितना के जी मटीरियल लगेगा ये जब आप नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको हमेशा एक्चुअल आउटपुट ही लिखना है वो ध्यान रखना एक्चुअल आउटपुट जो रहेगा वही यहाँ पर लिखना इसका मतलब क्या है दस हज़ार यूनिट बनाने के लिए सौ के जी मटीरियल लगता था तो नाइन लाख यूनिट्स बनाने के लिए कितना के जी मटीरियल लगेगा तो कैसे करोगे नाइन लाख मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन थाउजेंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसका आंसर आ जाएगा नाइन थाउजेंड यूनिट्स नाइन थाउजेंड यूनिट्स इज द आंसर देखो एक्चुअल क्वान्टिटी टेन थाउजेंड के है और ये नाइन थाउजेंड यहाँ पे भी के आएगा नाइन थाउजेंड तो यहाँ पे कितना के आया इन थाउजेंड के जी यहाँ पे कितना के जी है टेन थाउजेंड तो नियर बाय आंसर होना चाहिए सो वी हैव कैलकुलेटेड नाउ की पॉइंट्स अभी हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैंने आपको क्या बताया था पी से प्राइस तो इसलिए ब्रैकेट में प्राइस ही आएगा क्या था हमारा स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस ट्वेंटी एक्चुअल प्राइस ट्वेंटी वन और एक्चुअल क्वांटिटी कितना था हमारा एक्चुअल क्वांटिटी था टेन थाउजेंड तो ट्वेंटी माइनस वन इज वन वन मल्टीप्लाइड बाय टेन थाउजेंड ट्वेंटी में से ट्वेंटी माइनस करेंगे तो माइनस वन आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा टेन थाउजेंड नेगेटिव तो नेगेटिव के लिए एक वर्ड लिखना है ए ए रेफर्स टू एडवर्स अगर पॉजिटिव आए तो हम लिखेंगे एफ एफ रेफर्स टू फेवरेबल मटीरियल यूसेज वेरियंस यूसेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था यू से होता है यूसेज मतलब क्वांटिटी तो ब्रैकेट में क्वांटिटी ही आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया अभी नाइन थाउजेंड एक्चुअल क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में दिया था टेन थाउजेंड और स्टैंडर्ड प्राइस कितना था स्टैंडर्ड प्राइस था ट्वेंटी अगर हम नाइन थाउजेंड में से टेन थाउजेंड माइनस करें तो आएगा माइनस वन थाउजेंड और माइनस वन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी करेंगे आंसर तो मिलेगा नेगेटिव यहाँ पे भी ट्वेंटी थाउजेंड एडवर्स तो दिस इज दैलकुलेशन एवं द थर्ड फॉर्मूला इज मटीरियल कॉस्ट वेरियंस मटीरियल कॉस्ट वेरियंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइज माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी इंटू एक्चुअल प्राइस दो ब्रैकेट में लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी है नाइन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइज है ट्वेंटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी एक्चुअल क्वांटिटी वॉस टेन थाउजेंड इंटू एक्चुअल प्राइस कितनी थी एक्चुअल प्राइज थी ट्वेंटी वन मल्टीप्लीकेशन करेंगे नाइन थाउजेंड इन

थर्टी नेगेटिव आया थर्टी MPV कितना मिला था MPV था एडवर्स कितना था MUV था ट्वेंटी थाउजेंड एडवर्स माइनस माइनस प्लस तो ट्वेंटी प्लस टेन इक्वल टू थर्टी तो थर्टी इक्वल टू थर्टी टैली हो जाएगा दिस इज दैलकुलेशन दिसर्ट क्वेश्चन टू कम सिंपल से शुरू किया है ताकि फॉर्मूला में सब्सटीट्यूशन आपको समझ में आ जाए तो ये आपने ऑलरेडी भी पढ़ा होगा तो यही सारी चीज़ें हैं थोड़ी नए वेरियंट से हम पढ़ने वाले मटेरियल मिक्स मटेरियल इल्ड लेबर मिक्स और लेबर ईल्ड के बारे में थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ थैंक यू ऑल ऑफ बाय बाय टेक केयर